इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं जानता। कौन है बे तू? जो भी करवा लो, हमें कुछ नहीं करवाना। डिटेक्टिव जो भी करवा लो। एक बहन खुश होती है जब उसका भैया ऑफिस में प्रमोशन पाता है, एक बीवी खुश होती है जब उसका पति पैसे घर लाता है, लेकिन एक औरत खुश होती है जब देसी बॉयज का ओनर उसे अपना कार्ड थमाता है। क्या शौक है अरशद वारसी के? क्या सर्किट के किरदार में फिर लौट रहे हैं अरशद? कौन होगा मुन्ना भाई 3 के कास्ट में शामिल? दुनिया में हर किसी के अपने अपने शौक होते हैं। जहां आम आदमी के अपने अपने छोटे शौक होते हैं, वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के एक्टर्स के बड़े बड़े। और हो भी क्यों ना, इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी कला लोगों को दिखाने के बाद उन्हें ये मुकाम हासिल होता है कि वो अपने शौकों को पूरा कर पाए। आज एक ऐसी ही बॉलीवुड सितारे के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने पिछले एक वीडियो में हमने आपको उनकी निजी जिंदगी से जुड़ी कई बातें बताई थी, जिन्हें आपने खूब पसंद भी किया। हम बात कर रहे हैं मुन्ना भाई की साइड किक सर्किट यानी अरशद वारसी की। तो आइए फिर आज हम उनके शौकों के साथ और भी कई बातें आपको बताते हैं। फिल्म मुन्ना भाई में हमेशा मुन्ना यानी संजय दत्त के पीले स्कूटर की साइड किक पर बैठे दिखने वाले अरशद रियल लाइफ में स्पोर्ट्स बाइक्स के शौकीन हैं। उन्होंने हाल ही में डुकाटी मॉन्स्टर खरीदे हैं, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। हालांकि ये उनकी पहली स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, इससे पहले वे लगभग 13 लाख रुपए की कीमत में इंडियन स्काउट बावर, 18 लाख रुपए की हार्ले डेविडसन डायना सॉफ्टटेल और 2 लाख रुपए में रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक्स खरीद चुके हैं। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा वे कई टीवी शोज भी होस्ट कर चुके हैं, जिनमें 2001 का रियलिटी डांस शो राजमताज, 2004 का सबसे फेवरेट कौन और बिग बॉस का सबसे पहले सीजन जैसे कई हिट शोज शामिल है। 2010 में शो जरा नच के दिखा में वे बतौर एक जज भी नजर आ चुके हैं। बॉलीवुड में किसी भी कलाकार को टाइपकास्ट करना बहुत आसान होता है। अरशद वारसी भी इंडस्ट्री में कई कॉमेडी फिल्म्स में नजर आ चुके हैं, जिसके बाद कॉमेडी हीरो के रूप में ही उनकी पहचान होने लगी। पर ये भी सच है कि वे सिर्फ कॉमिक रोल में ही नहीं बल्कि इंटेंसिव रोल भी बेहद उम्दा तरीके से अदा करते हैं। ये उन्होंने फिल्म इश्किया और डेर इश्किया में साबित कर दिखाया है। इन दोनों ही फिल्मों में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका आलोचकों और दर्शकों द्वारा सराही गई थी। अरशद ने अपने करियर के शुरुआत में साल 1999 में ही शादी कर ली थी। उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी एक वीजे है। दोनों की मुलाकात अरशद की डांस एकेडमी में हुई थी। इनके 2 बच्चे, एक बेटा जैक और एक बेटी जेन है। क्या आप भी अरशद को मुन्ना के सर्किट के रूप में देखने के लिए उत्साहित है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी जरूर बताइएगा कि फिल्म में आप उनके अलावा और किसे देखना पसंद करेंगे।